औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये लहसुन की काश्त के ऊपर है कि लहसुन के ऊपर जो है हम काश्त तो कर लेते हैं लेकिन हमारे से जो है वो प्रॉपर तरीके से इसकी मैनेजमेंट नहीं होती और जो है जितनी हमें पैदावार रिक्वायर्ड होती है उतनी पैदावार जो है वो हमें नहीं मिल पाती। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि लहसुन को जो है वो कौन कौन सी बीमारियाँ जो है इसके ऊपर अटैक करती हैं और किन की वजह से जो है हमारी भरपूर पैदावार जितनी हमें चाहिए होती है वो हमें नहीं मिल पाती और अच्छी फसल लेने के लिए किन किन जो है चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले जिन व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो है बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आए तो इसका इंटीमेशन आपके पास आ जाए। आज हम लहसुन के ऊपर देख रहे हैं, ये सारा जो है मेरे सामने आप पीछे देख रहे हैं ये सारा लहसुन MS 756 है, देसी वाइट जो होता है और इसकी जो है वो ये तकरीबन जो सबसे पिछहत्ती काश्त थी ये उसमें है। इसके ऊपर जो है वो कोई ब्लीचिंग शीट जो है वो नहीं डाली हुई, यानी कि जैसे हम ये जो चावल का भूसा होता है यानी कि पराली होती है वो उसके ऊपर पराली से हमने इसको ब्लीचिंग नहीं किया हुआ, ये ओपन ही है। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे इसको हमने कैसे जो है ज़्यादा तौर पर हम इसकी पैदावार ले सकते हैं और किन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये अब ये ऊपर अब देखें इसकी सारी जो ऊपर सारे जो ये पत्ते हैं नुकीले पत्ते हैं ये सारे जो है वो पीले हो रहे हैं और इसको जो नीचे मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखें नीचे से जो है इसका ये मसला बन रहा है, ये देखें इसकी जो नीचे वाले पत्ते हैं वो बिल्कुल जो है वो पीले होकर जो सूख रहे हैं, ये देखें ये करीब से जब देखें ये नीचे वाले पत्ते बिल्कुल सूख रहे हैं ये देखें, और ये देखें ये पीला पत्ता बिल्कुल सूख गया, ऊपर से भी जो इसके जो है पत्ते वो इस तरीके के जो है पीले हो रहे हैं और इसके अंदर जो धब्बे से हैं, इसको कहते हैं डाउनी। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं इसके जड़ के ऊपर, जब हम इसको बिजाई इसकी करते हैं और इसकी प्रॉपर जो है जिसकी जर्मिनेशन हो जाती है और लहसुन का जो पौधा है वो 3-3, 4-4 इंच हो जाता है उस वक्त जो है इसको जो है नीचे फंगस का अटैक होता है। अगर हम उसी वक्त इसको फंगीसाइड स्प्रे कर दें, मेरे जो तजर्बे में आई है वो सबसे बेहतरीन जो स्प्रे है जड़ की या रूट्स का जो मसला होता है मिर्च के हवाले से या के लहसुन के हवाले से वो है बेहतरीन स्प्रे शनकार, FMC की है, बेहतरीन स्प्रे है। ये लहसुन जो था ये सबसे पिछहत्ती काश्त थी और इसके अंदर जो है वो दोस्त पानी जो शुरू में इसकी क्योंकि बेड का साइज था वो 30 इंच था इसलिए जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा बेड चौड़ा था, सेंटर में पानी का जो है वो उसकी नमी नहीं पहुंच रही थी, पानी ज़्यादा दिया उस वजह से जो है दो पानी ये ऊपर नीचे देने की वजह से जो इसके अंदर जो है नमी ज़्यादा होगी और इसको फंगस बन पड़ गई। फंगस पड़ने का जो निशानी होती है वो ये होती है कि जब शुरू में पौधे छोटे रह जाते हैं उनकी ग्रोथ पूरी नहीं हो पाती और ऊपर से जिस तरीके से पीले होना शुरू हो जाते हैं शुरू शुरू में दाई स्टेजेस में, उसके लिए जो है आप शनकार का स्प्रे करें, उसके ऊपर जो कैप होता है वो तकरीबन 50 ml का होता है, वो एक कैप एक टैंकी के अंदर आप डाल के इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर स्प्रे कर दें ताकि जो है इसकी जड़ के अंदर जो है एक दफ़ा वो स्प्रे सारा जो उसका वो पानी वो चला जाए। हमने इस एक एकड़ के ऊपर तकरीबन 15 टैंकी जो है वो स्प्रे किया था शनकार का, उसके बाद इसका जो जड़ वाला जो प्रॉब्लम था नीचे से जो आप उसको जब उखाड़ेंगे पौधे को तो उसकी जड़ जो है वो सारी ब्लैक हुई होगी और बिल्कुल सारी जड़ उसका ख़त्म हो चुकी होगी। जो ही हमने इसको स्प्रे किया, स्प्रे करने से पहले इसकी जो रूट्स थी नीचे पौधे को जब हम उखाड़ते थे तो उसकी पूरी रूट्स जो थी तो वो गल गए थे सड़ गई थी उसके साथ क्योंकि इसकी ग्रोथ रुक चुकी थी। जो ही हमने उसका स्प्रे किया 8 से 10 दिन बाद उसकी मुकम्मल तौर पर नई उसकी रूट्स निकलना शुरू होगी और उसकी ग्रोथ दोबारा शुरू होगी। आपने हर 10 से 15 दिन बाद जो है इसका स्प्रे जो है 15 से 20 दिन के बाद एहतियाती तौर पर दोबारा इसका स्प्रे रिपीट कर देना है तो ये रूट्स का जो नीचे मसला होगा ये फंगीसाइड का जो नीचे मसला वो दोबारा नहीं आएगा। सबसे एक तो हाल है इसका ये, दूसरा है कि जिस तरीके से अब आप ये देख रहे हैं इसको भी ये दोबारा अटैक डोनी का हुआ और इसके जो पत्ते हैं इस तरीके से पीले हो रहे हैं। डोनी के अटैक के लिए ये अक्सर हम आम देखते हैं और कुछ जो है इसके ऊपर फोकस नहीं करते, ये ऊपर के जो इसके पत्ते हैं नोकदार ये तकरीबन कोई सारे ऊपर से जो पीले हो रहे हैं। ये डोनी का अटैक हुआ है, डोनी के अटैक के लिए मार्केट में बेतहाशा स्प्रे हैं, इलियट है, इंट्राकाल है और भी कई ऐसी स्प्रे हैं, स्कोर है जिसके अंदर जो है डाइफिनोकोनाजोल है, इलियट के अंदर जो है फोस्टाल एल्युमिनियम है, इसी तरह जो है आप कई ऐसी स्प्रे हैं जो डोनी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो उसको ऊपर किसी के स्प्रे कर सकते हैं। इंट्राकाल का कर दें वो भी बेहतरीन जो है वो फंगीसाइड स्प्रे, उससे भी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। एक और चीज़ जो देसी भी है और सस्ती से सस्ती भी है, एक पाव आप ले लें बुझा हुआ चूना,
एक पाव आप ले लें नीला थोता, दोनों को आप अलग अलग रात को पानी में भुगो दें, सुबह दोनों को जो है जब वो ठंडा हो जाए आप उनको मिक्स कर लें, आधा घंटा मिक्स करने के बाद उसको मजीद ठंडा होने दें, उसके बाद उसको चार पांच टैंकियाँ उसकी बना के आप इसको स्प्रे कर दें, बेहतरीन फंगीसाइड है और ये डोनी का अटैक या दूसरा जो फंगस है उसको ये प्रॉपर तौर पर कंट्रोल करेगा और इसका जो असर है वो दूसरे फंगीसाइड की नस्बत ज़्यादा देर पाए। बकिया रहेगा इसका सवाल इसके जो ग्रोथ का है, ग्रोथ के लिए जो है आपने इसको जब अब फरवरी है, फरवरी के पहले जो है आपने इसको नीचे आपने डेफिनेटली डीएपी भी डाली होगी, जब इसकी ज़मीन की तैयारी वक्त पोटाश भी डाली होगी, इनरिच होमिक एसिड भी डाला होगा, ये सारी चीज़ें डालने के बाद जब इसकी उसकी जर्मिनेशन हो जाती है तो साथ साथ आपने इसको खादें भी देते रहना है, यानी कि आप पोटाश देते रहें, नाइट्रोफास जो है वो बेहतरीन खाद है, यूरिया का इसके ऊपर कम से कम इस्तेमाल करें, जितना हो सकता है कोशिश करें कि नाइट्रोफास का इस्तेमाल करें। जब इस स्टेज पे आ जाता है तो इसके ऊपर आपने इसको पोटाश का इसके ऊपर इस्तेमाल बढ़ा देना है। अब ये इस कंडीशन में है, इसको हमने दो फंगीसाइड कर दिए ताकि ये जो इसका डोनी का इसके ऊपर अटैक हुआ है तो ये इसकी जो है वो मामला कंट्रोल हो जाए। अब इसके ऊपर पोटाश का जो है हम इसकी बढ़ाएंगे, या तो आप इस तरह करें कि सोलो पोटाश के नाम से जाफर वालों की है वो इसके नीचे फ्लड करें, दूसरा ऊपर से आप कोई एनपीके जिसके अंदर पोटाश ज़्यादा हो, 5-15-45 या 0-54 या जो भी कोई ऐसी आपको एनपीके मिलता है, लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजन लाजमी हो, क्योंकि नाइट्रोजन अगर आप अकेले पोटाश करेंगे तो उससे इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, सिर्फ नीचे से जो इसकी तना वो सही रहेगा और नीचे इसकी जो गिटली होगी वो मोटी होगी। हमें इसके अंदर जो है वो दोनों चीज़ चाहिए, नाइट्रोजन भी हो और पोटाश भी हो। आप वो वाला कोई एनपीके लें, इसके ऊपर जो है 8-10 दिन बाद स्प्रे उसका भी करते रहें, नीचे से भी आप इसको पोटाश दें ताकि इसकी भरपूर पैदावार हो। तो व्यूअर आप इन चीज़ों को मद्देनजर रख के जो है अपने लहसुन की जो है वो भरपूर पैदावार ले सकते हैं। ये पछेती काश के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से ये बेहतरीन कंडीशन में फसल खड़ी है और अभी भी हम इसके ऊपर जो है कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मजीद अच्छी जो मैनेजमेंट की जाए। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसके ऊपर चूंकि मलीचिंग नहीं की थी, इसको हमने दो गोडी जो है वो ज़रूर करवाई हैं। गोडी से जो है ज़मीन नरम हो जाती है, ज़मीन नरम होने के बाद जो है ऊपर से हम खाद बखेर के जो है इसको पानी दिए हैं। एक दो गोडीज आप लहसुन को ज़रूर करवाएं, अगर आप मलीचिंग नहीं कर सके, अगर मलीचिंग कर दिए तो वो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से आप जो है इन प्रिकॉशंस को या इन आप गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए आप लहसुन की जो है भरपूर पैदावार ले सकते हैं। ये नहीं कि आपने अंदर 756 लगाया, आप कोई भी आपने वैरायटी लगाई है, नार्क जीवान लगाया है, देसी लगाया, कोई भी आप किस्म लगाते हैं तो तरीकाकार या मैनेजमेंट या जो एहतियाती तदाबीर हैं वो सारी की सेम ही होती है। उम्मीद है व्यूअर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट टेक आपके लिए और अच्छी सी वीडियो लेके आ जाऊँगा। खुदा हाफिज़।